गाजियाबाद में रिश्वत चलती है, ये बात फिर साफ हुई। गाजियाबाद के डीएमई के दफ्तर में एक महिला को एंटी करप्शन की टीम ने 800 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक अधिवक्ता ने एक वाद से संबंधित कुछ दस्तावेज निकालने के लिए एडीएमई के दफ्तर में अप्लाई किया था। वहीं आरोप है कि यहां पर मौजूद दुर्गेश नंदिनी नाम की महिला क्लर्क ने 8 कॉपी निकालने के इवज में 800 रुपए की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता दुर्गेश ने नंदिनी को कुछ वीडियो भी बना दिया था। वहीं एंटी करप्शन मेरठ की टीम को इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई। आज जैसे ही रिश्वत की रकम लेकर सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता जिले के कलेक्टर में स्थित मौजूद क्लर्क के पास पहुंचा तो वैसे ही रुपये देते हुए रंगे हाथ एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने महिला को रंगे हाथ गिरफ्तार कर दिया है। मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप है, हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और मेरे सीनियर हैं एडवोकेट अभिषेक शर्मा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमने यहाँ एक सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की थी रिकॉर्ड रूम में, कलेक्ट्रेट में। कलेक्ट्रेट में रिकॉर्ड रूम है, 317 नंबर कमरा, ए डी एम ई। तो यहाँ पे हमने सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की थी, तो हमने 15 तारीख को अप्लाई की थी, 15/11 को। तो हम उसका पता करने गए 30 तारीख में, तो 30 तारीख में वहाँ पे कोई नहीं था 11:30 बजे तक, जबकि टाइम होता 10 बजे का ऑफिस का। तो 11:30 बजे तक कोई नहीं था, हम वहाँ देख के चले गए। उसके बाद हम 5 तारीख में गए, तो 5 तारीख में ये दुर्गेशी नंदिनी मैडम हैं, इनके पास हमारी फाइल थी। तो हमने इनसे बोला, मैडम ये सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर रखी है हमने, 20 तारीख को हमने की थी 15 में, और ये दे दो। तो इन्होंने देखी, इन्होंने बोला आपकी कॉपी रेडी है। तो मैंने बोला, हमने बोला कि आप दे दो हमें, मेरे सर थे, तो उन्होंने बोला आप दे दो। तो इन्होंने बोला कि इसमें वो लगेगी फ़ीस, हमने बोला इसमें कोर्ट फीस हमने लगा रखी है, 2 रुपये की जो नकल सवाल पे लगती है वो लगा रखी है, 10 रुपये की जो उस पर लगती है सर्टिफाइड कॉपी पे वो लगा रखी है। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं, वो नहीं, 100 रुपये पर कॉपी हम लेते हैं, हमारी 8 कॉपी थी, तो इन्होंने बोला 100 रुपये पर कॉपी हम लेते हैं अपने अलग से, तो 800 रुपये हो गए, आपकी 8 कॉपी है, बिना 800 रुपये नहीं देंगे। तो मेरे सर हैं, उन्होंने बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ, एडवोकेट अभिषेक शर्मा, तो हम वहाँ पर ना पैसे देते ना लेते, पैसा देना लेना दोनों जुर्म है। तो वो मैडम बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप नहीं पता, लेकिन यहाँ ये रूल है हमारा। तो उसके बाद हमने बोला ठीक है आप दे दो, नहीं वो ने बोला नहीं पैसे बिना नहीं दूंगा। तो हमने बोला ठीक है आप रख लीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। फिर हम 9 तारीख में गए एंटी करप्शन ब्यूरो मेरठ, हमने जाके वहाँ शिकायत दी लिखित में कि ऐसे ऐसे मैडम है, हमने पूरा प्रकरण बताया उनको कि वो हमसे पैसे मांग रहे हैं। तो ये ब्यूरो वालों ने कार्रवाई की उस पर, आज उन्होंने आके मैडम को रंगे हाथों पकड़ा, जो अपना नोट पे वो लगाते हैं पाउडर वगैरह वो उनको दिया हमने, और रंगे हाथों पकड़ा। तो इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो वालों का बहुत अच्छा सहयोग रहा, और इतना धांधलेबाजी से करप्शन चल रहा था यहाँ पे, वो एक ख़त्म हुआ है। अच्छा नोट कितने कितने के दिए थे आपने? नोट हमने, उन्होंने 800 की डिमांड की थी, तो एक 500 का दिया हमने, 3 नोट दिए 100 रुपये के जी। अब क्या कार्रवाई चल रही है? अब बस 2 बजे करीब ये पकड़ ली थी मैडम, 2:30 बजे करीब हमने दिए पैसे, हम तो तब भी सर्टिफाइड कॉपी लेके चल दिए, उन्होंने पीछे से आवाज़ मारी कि वकील साहब इसकी फ़ीस दो, इसके बिना हमें नहीं दूंगी तुम्हें। तो हमने फिर उनको नोट दिए जो हमें पुलिस वालों ने दिए, तो वो लेके उन्होंने फिर पकड़ लिया। मुकदमा दर्ज हो चुका है? मुकदमा दर्ज हो गया, उसकी कार्रवाई चल रही है, पुलिस वाले कर रहे हैं, तो बस हम उसी के लिए बैठे हैं, वो कह रहे हैं अभी समय नहीं होगा। सर मेरठ एंटी करप्शन ने एक महिला को पकड़ा है, क्या है पूरा मामला, क्या नाम था, अब किस वजह से उसको पकड़ा गया? एक महिला बाबू हैं रिकॉर्ड कीपर अभिलेखागार में कलेक्ट्रेट में, जिनके द्वारा अभिषेक कुमार शर्मा जी हैं, उनसे एक बाद की नकल लेने के लिए प्रतिवाद 100 रुपये के हिसाब से इन्होंने 8 कॉपियों बादों की नकल थी, 800 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। ये महिला बाबू हैं दुर्गेश नंदिनी, सीनियर क्लर्क हैं जो अभिलेखागार को देखती हैं। जब शिकायत उनके द्वारा मांग करने पर शिकायत हमारे यहाँ गई थी, हमने उस पर जांच कराई तो ये तथ्य सही पाए गए, उसको आधार मानते हुए हमने सरकारी गवाह लिए डीएम साहब से आके सुबह, और डीएम साहब से गवाह लेने के बाद हम लोगों ने कार्रवाई की, और उनके द्वारा जब रुपये की मांग की गई और रुपये ले लिए 800 रुपये, 8 नकलों के 800 रुपये प्राप्त किए, और नकल रुपये लेने के बाद जब उन्होंने हमने मौके पर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सर कैसे पता चला कि उन जो पैसे ले रहे हैं उन पर अब किस तरीके से उनको पकड़ा गया? हम लोग शिकायतकर्ता के दाएं बाएं आगे पीछे रहते हैं, रहे थे, और एक दूसरे को अपने पहचान छुपाते हुए रहते हैं,
और जैसे ही उन्होंने पैसा ले लिया अपने लेकिन के अपने उसमें रख लिया डेस्क में, उसी के दौरान हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और उन्हें मौके पे पैसों के साथ में अरेस्ट कर लिया। इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है सर? मुकदमा थाना कवि नगर पर दर्ज करा दिया गया है और कार्रवाई विवेचना इसकी हमारे यहाँ से ही होगी।